नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है दीपछाया अपार्टमेंट बाय हर्षल इंटरप्राइजेस, डेवलपर का नाम है और ये जो बन रहा है दहिसर ईस्ट में बना रहे हैं, ये शिव बल्लभ रोड अशोक बन एरिया में, और इसमें पोडियम पार्किंग के साथ ये बन रहा है। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ देवछाया का, कैसा अपार्टमेंट है, कैसा एलिवेशन है, यहाँ का लोकेशन कैसा है और किस टाइप का, या नीचे कमर्शियल का प्रोविजन दिया हुआ है, ये सब पहले देखते हैं, उसके बाद फिर मैं डिटेल की बात करूंगा इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए देखते हैं देवछाया दहिसर ईस्ट बाय हर्षल एंटरप्राइजेस ग्रुप। अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1 BHK का प्रॉपर्टी है और 469 अप्रॉक्स इसका कारपेट एरिया है और प्रोजेक्ट का नाम है देवछाया अपार्टमेंट। देड़िया ग्रुप डेवलपर हैं ये, दहिसर ईस्ट में डेवलप कर रहे हैं। 18th स्टोरी टावर है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हाईवे बहुत ही पास में है, आप देखें तो हाईवे मुश्किल से 3-4 मिनट का रास्ता है बाय कार बाय बाइक अगर आप जाते हैं तो। ये इसका डाइनिंग एरिया है और 1 BHK 469 यानी लगभग 470 स्क्वायर फुट, 1 फुट कम ऐसा इसका है। और ये जो फ्लैट मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं है बट स्पेस आप देख के समझ सकते हैं, दोनों साइड सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, फ्रिज स्पेस, वॉशिंग मशीन स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ जो किचन से थोड़ा आगे जाके सामने फ्रंट साइड में है। 24 आवर्स BMC वाटर के साथ, OC के साथ ये हैंडओवर करेंगे। ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है ये प्रोजेक्ट, आप खरीदेंगे हैंड टू हैंड आपको चाबी मिल जाएगा। और अब मैं आपको इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये मास्टर बेडरूम से जब आप एंट्री करते हैं तो ये आपको पूरा बेडरूम मिलता है। पहले मैं आपको विंडो का व्यू दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका पूरा विंडो है, बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा ओपन व्यू है। पीछे साइड आपको हिल का व्यू मिलता है। और अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखाता हूँ। कबर्ड तो आप वार्डरोब इसके जस्ट बाजू में आप बना सकते हैं और लेफ्ट में भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेडरूम में काफ़ी अच्छा जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। प्लम्बिंग का एसेसरीज आपको जब ये फिनिश करके देंगे तो फ्लैट क्लीनिंग वगैरह करके देंगे, अभी कुछ वर्क चालू ही है। फिर भी मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको स्पेस समझ में आ जाए कि क्या कितना स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। अभी इसका 2 BHK का फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है। ये इसकी 2 BHK का प्रॉपर्टी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेआउट कैसा है वो देखते हैं। यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो सामने फर्स्ट आपको बेडरूम मिलता है, फर्स्ट आपको फ्रंट में ही आपको एक बेडरूम मिलता है। लोकेशन इसका बहुत प्राइम है, अभी मैं नीचे जाके दिखाऊंगा आपको यहाँ लोकेशन कैसा है। ऊपर पहले फ्लैट दिखा दूँ उसके बाद फिर मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको। और ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी टू मूव है, नीचे मेन रोड है, कमर्शियल यूनिट्स बने हुए हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो आपको सब यहीं आसपास में ही मिल जाता है, बाकी तो हाईवे पास में है, ठाकुर मॉल वगैरह पास में है। ये मैंने आपको स्टार्ट का मास्टर बेडरूम दिखाया, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका लिविंग डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ, हॉल कैसा है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये आप देख सकते हैं स्क्वायर में बड़ा सा आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है। यहाँ से मैं विंडो का आपको व्यू दिखाता हूँ, कुछ प्लाई वर्क चल रहा है, कुछ पोजीशन हो गया है ना, तो इसके लिए जो बायर्स हैं जो ले चुके हैं। अभी इसका बॉटम प्राइस तो मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि डेवलपर के साइड से अलाउ नहीं रहता है। फाइनल प्राइस मैंने कई पहले वीडियो में बोल चुका था तो काफ़ी सारे
आर्गुमेंट हो चुकी थी हमारी कई डेवलपर से, तो फाइनल और बॉटम प्राइस के लिए आप मुझे कॉल करें। कुछ भी डिटेल चाहिए रहेगा तो डिटेल के लिए भी अगर आप हमें कॉल करेंगे तो उसमें भी मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेंगे। और प्रॉपर्टी अगर परचेस करना हो तो परचेस करने के लिए भी आप हमें फ़ोन करें। अभी हम चलते हैं हॉल के बाद। ये इसका 2 BHK का किचन है, आप देखें किचन बहुत ही बढ़िया स्पेसियस दिया हुआ है, रेड ग्रेनाइट्स में काम किया हुआ है। एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस मिलता है और एंड में आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस और माइक्रोवेव ओवन का स्पेस मिलता है। एज इट इज़ 1 BHK में जो दिया हुआ है थोड़ा छोटा है, 2 BHK का एरिया काफ़ी बढ़िया बड़ा दिया हुआ है। यह आपने किचन देखा, अभी आगे इसका कॉमन बेडरूम है, तो इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। मास्टर बेडरूम हम देख चुके हैं और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका कॉमन वॉशरूम है। ये थोड़ा फिनिश किया हुआ है तो आप देख सकते हैं, इनका फिनिशिंग का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। प्लम्बिंग का एसेसरीज इन्होंने लगाया नहीं है। इस तरफ कोने में इसका वॉश बेसिन आएगा, सामने कमोड आएगा और बीच में ये जो आप देख रहे हैं बाथ एरिया आएगा। तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी इसका कॉमन बेडरूम इन द सेंस, कॉमन बेडरूम का मतलब ये होगा कि इसमें कॉमन वॉश, आपको मास्टर बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड होता है और कॉमन बेडरूम में वॉशरूम अटैच नहीं होता। कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, बेड और गेस्ट बेडरूम बहुत सारे अलग अलग नाम से बोलते हैं, पर सिंपल ये है कि इसमें आपको वॉशरूम अटैच्ड नहीं मिलता है, उसी को कॉमन बेडरूम बोलते हैं। मेन रोड की कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं विंडो के साइड से आपको कॉमन बेडरूम की लेंथ दिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको 2 BHK और 1 BHK दिखाया। अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल जानने के लिए भी आप हमें फ़ोन करें, परचेस करना हो तो परचेस करने के लिए भी फ़ोन करें। इसमें कुछ लिमिटेड यूनिट्स बचा हुआ है, कहाँ स्थित है, इसका बॉटम प्राइस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके लिए आप मुझे डिटेल में जानने के लिए फ़ोन करें दोस्तों। ये आप देख सकते हैं देवछाया अपार्टमेंट जो है ना, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल कलर इन्होंने बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला कलर यूज़ किया है। और ये इसका मेन रोड है, सामने कुछ कमर्शियल यूनिट्स हैं, उसके बाद पोडियम पार्किंग है, उसके बाद फिर रेजिडेंशियल एरिया है। अभी मैं इसका पैसेज दिखा रहा हूँ आपको देव छाया अपार्टमेंट का। देड़िया ग्रुप दहिसर में कई प्रोजेक्ट इन्होंने हैंडओवर किया हुआ है और बना भी रहे हैं, अभी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है। इसका 2 हाई स्पीड लिफ्ट है, ये पूरा पैसेज एरिया है। अभी ये काम ही चल रहा है, फिर भी मैं आपको घर बैठे आप देख लें, समझ लें, डिटेल के लिए और ख़रीदने के लिए मुझे फ़ोन करें। ये इसका स्टेयरकेस है। अभी जो आपने देवछाया अपार्टमेंट देखा है, इसका कुछ प्रोजेक्ट का डिटेल की बात करूं, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका, 22 माले का टावर है, 2 विंग की सोसाइटी है, हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसका 4th लेवल पोडियम पे है, बेसमेंट प्लस 3 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है, रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 1st लेवल से लेकिन आफ्टर P4। सेलिंग विंग्स इसका दोनों है। रेरा में अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518000015406। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप महारेरा के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कितने फ्लोर का पासिंग है, क्या लैंड एरिया है, कितना स्क्वायर फुट कारपेट फ्लैट है इसका, वगैरह वगैरह सारा कुछ डिटेल आपको वहाँ पे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाता है। और वहाँ पे जो आपको डिटेल मिलता है वो बिल्कुल प्रोजेक्ट रिलेटेड परफेक्ट डिटेल होता है, जहाँ से आपको सारी कन्फर्मेशन मिलती है। रेरा में पोजिशन इसका September 2023 है, बिल्डर आपको March 2023 में देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, बिफोर 4 से 5 महीना पहले ही आपको दे देंगे। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है, इसमें हिल व्यू और सिटी व्यू फ्लैट है, ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है, APF भी किया हुआ है, SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI, LIC, IDFC, किसी भी बैंक से आपको इजिली लोन मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK एंड 2 BHK का है। 1 BHK का कारपेट एरिया 469 यानी 469 स्क्वायर फुट का है और इसका फ्लैट कॉस्ट 90 लाख टू 1.8 CR, मतलब 90 लाख से लेके 1.8 करोड़ के बीच में है विद पोडियम पार्किंग। 2 BHK का कारपेट एरिया 671 यानी 671 स्क्वायर फुट का है जिसका फ्लैट कॉस्ट पार्किंग के साथ 1.30 करोड़ से लेके 1.44 करोड़ तक है, यानी 1.30 CR टू 1.44 CR।
एक्स्ट्रा पार्किंग अगर लेना चाहें तो 5 से 6 लाख रुपए का इसका एक्स्ट्रा पार्किंग है। डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना पार्किंग चाहिए, उसके हिसाब से ले सकते हैं। फ्लैट के साथ में तो एक डेडिकेटेड पार्किंग आपको मिलता ही है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस वगैरह ये आपको अलग से लगेगा। पूरा पैकेज प्राइस जानने के लिए या फिर इसमें और क्या डिस्काउंट हो सकता है, फाइनल बॉटम प्राइस क्या होगा, इसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। बिल्डर के हायर मैनेजमेंट से ये चीज़ें हमें बताना अलाउ नहीं है। एमिनिटीज़, इसमें स्प्लैश पूल, योगा मेडिटेशन एरिया, जिमनासियम, किड्स प्ले एरिया, गार्डन एरिया, ये सब यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ दिया हुआ है। कुछ कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। 2 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप दहिसर मेट्रो स्टेशन, यूनिवर्सल हाई स्कूल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चिल्ड्रन पैराडाइज प्री स्कूल, सेफ जायका, राजू किचन, अशोक वन हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, SBC कोऑपरेटिव बैंक, सुपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, केमिस्ट, मंदिर, ये तो मैंने 2 से 15 मिनट के अंदर कुछ बेसिक कनेक्टिविटी मैंने बताया। 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप दहिसर पुलिस स्टेशन, दहिसर रेलवे स्टेशन, ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, ठाकुर मॉल, ग्लोबल 101 मॉल, आइनॉक्स मॉल, रसाज मॉल, संजय गांधी नेशनल पार्क, छोटा काश्मीर पार्क, बड़े बड़े फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं बड़े बड़े ब्रांड का, 10,000 स्क्वायर फुट के जो बनाया है उन्होंने, जिसमें पुमा, एडिडास, रिवॉक, नाइकी, डिकैथलॉन, स्केचर, ये सब आप 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। आधे से एक घंटे के अंदर ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप सिद्धिविनायक मंदिर, माउंट मेरी चर्च, हाजी अली दरगाह, बरसोबा बीच अंधेरी, वेलंकनी बीच, वाटर किंगडम, सूरज वाटर पार्क, पवई लेक, स्नो वर्ल्ड, बेंडा वर्ली सीलिंग, ग्लोबल विपासना पेगोडा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब कुछ आप रीच कर जाते हैं। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, CPs का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी न किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो अब डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा। कोई बीच में आर्गुमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप CP के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो CP को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव। जब मैंने बुकिंग कराया है तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो CP को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में CP भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है, आपको मालूम ही नहीं है, तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज PLC ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना, तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी CP आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल 20 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि CP या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहां पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी ना किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के ABCD के बारे में, कि क्या चल रहा है, प्राइस वहां का, डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहां जाएगा और क्या होगा। दोस्तों, किसी ना किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहां का बॉटम प्राइस क्या है, वहां का स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर क्या है, क्या वहां डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो CP को जरूर साथ में लेके जाएं। आप ज्यादा से
ज़्यादा एक या दो प्रॉपर्टी लेंगे। हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी एक एक प्रोजेक्ट में सेल करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो आपको जो प्राइस मिलता है ना, वो एक या दो प्रॉपर्टी के हिसाब से डेवलपर के लोग, डेवलपर के सेल्स पर्सन आपसे बात करते हैं। हम लोग 100-150 प्रॉपर्टी उनके सेल करते हैं, बल्क में सेल करते हैं। तो 100 प्रॉपर्टी यानी 100-200 करोड़ रुपए देने वाला जो पर्सन है और एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी यानी 1-2 करोड़ रुपए देने वाला पर्सन है, तो हमेशा आप देखेंगे प्राइस का डिफरेंट हमेशा रहेगा, प्राइस में अंतर हमेशा रहेगा। बेहतर है कि आप हमारे साथ चलें। हम जो प्राइस और डिस्काउंट और स्कीम जितनी बातें कर सकते हैं, उतना आप अकेले जाके बात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखें कि कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो एक ऐसे सीपी को ज़रूर लेके जाएं साथ में, जिसको पता हो कि वहाँ के रिलेटेड क्या चल रहा है, जिसने बल्क में वहाँ प्रॉपर्टी सेल किया हो। हम लोग जिसका भी मार्केटिंग करते हैं उनका प्रॉपर्टी बल्क में सेल करते हैं, जिसका भी यूट्यूब पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप हमारे साथ चलें, और एक बार आप जाने के बाद ऐसा समझते हैं कि हम किसी सीपी के साथ जाएं तो फ़ायदा होगा। दोस्तों, टैगिंग होने के बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि आप स्टार्ट में फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ चलें, तो ही हम आपके प्राइस में कुछ करवा सकते हैं। एक बार बिल्डर के सिस्टम में एंट्री हो जाने के बाद में हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।